अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्पार्केड मैकेनिकल। आज की वीडियो में हम अरे कमांड के बारे में पढ़ेंगे और अरे कमांड को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले से एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसके आपको मल्टीपल टाइम वो ऑब्जेक्ट आपको ड्राइंग में चाहिए, तो ये मकसद पूरा करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आप अरे कमांड को यूज़ करके ये टास्क आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नट है और एक बोल्ट है, ठीक है, और वो आपने कोई मैकेनिकल की कोई ड्राइंग है और आपने इसको मल्टीपल टाइम उस ड्राइंग के आपने इसको प्लेस करना है। तो एक तरीका तो ये कि आप इन ऑब्जेक्ट को कॉपी कमांड के जरिए इंडिविजुअली इनको आप कॉपी करते रहे, तो मुझे लगता है कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो अपने टाइम को बचाने के लिए आप अरे कमांड को यूज़ करके इस टास्क को आप पूरा कर सकते हैं। सो अरे कमांड को एक्सेस और प्रैक्टिकल समझने और अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि अरे कमांड की जो किस्में हैं वो तीन है, रेक्टेंगुलर अरे, फोर पोलर अरे और इस तरह पाथ अरे। तो इनको एक एक करके हम प्रैक्टिकल अप्लाई करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अरे कमांड को एक्सेस करना है तो आपने मॉडिफाई पैनल मारने के बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीन किस्म के अरे मौजूद है, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और इस तरह पोलर अरे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर अरे पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आर सी टाइप करके एंटर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट है, उसकी सेंटर में एक सर्कल भी है, तो इसके सेंटर में एक सर्कल भी बना लेता हूँ। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इनके बीच का फासला देखे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ये इसकी मल्टीपल टाइम ये ऑब्जेक्ट चाहिए। एक तरीका तो ये कि आप इसको कॉपी करें और फिर आप प्रॉपर जो डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है, वो आप देते रहे और इसको आप मल्टीपल टाइम आप इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करें, तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और स्ट्रगल भी बहुत करनी पड़ेगी। तो इस काम को, इस टास्क को आसान करने के लिए आप यहाँ से इस अरे पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे और ऐसे आप रेक्टेंगुलर अरे को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर अरे कमांड की जो शॉर्टकट है वो आपने अपने कीबोर्ड से ए आर टाइप करके एंटर करेंगे, इस तरह आपके पास जो अरे की जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके रेक्टेंगुलर अरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको मैसेज दे रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आप इस कमांड को प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए आप एंटर दबाएंगे तो ये ऑपरेशन कर देगी ये जो कमांड है। ठीक है, तो मैं एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं एंटर कर लेता हूँ तो इसकी कॉलम्स और रो की शक्ल में ये एक रेक्टेंगुलर शेप में इसके मल्टीपल टाइम्स वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास तो जैसे हम एंटर कर लेते हैं इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी रहते हैं कि कॉलम्स बिटवीन टोटल, इस तरह ये रोज लेवल प्रॉपर्टी क्लोज अरे। तो इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम्स, आपको कितने कॉलम चाहिए, पहले हमें कॉलम चाहिए 6। इसमें आप यहाँ वीडियो कम या ज्यादा करेंगे, इस तरह इस ये जो रेक्टेंगुलर शेप में मल्टीपल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसमें भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके दोनों के बीच का जो पास लेवल है वो 2.8 है, तो अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये 10 है, तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच का फासला काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, और अगर आप इसको कम करेंगे तो ये भी आप कम कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ ये 30 हो। ठीक है, तो ये जो बिटवीन है और टोटल है, ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी इंटर डिपेंडेंट है। अगर आप इसको कम करेंगे टोटल को तो ये भी कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टोटल को कम या ज़्यादा करेंगे तो सर आपके पास ये जो बिटवीन है ये भी कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया कॉलम। ठीक है, अब हम रो पे बात करते हैं, ये जो वर्टिकल है, ठीक है, इस तरह इसको कॉलम बोलते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में है इसको हम रो बोलते हैं। तो हमारे पास अभी जो रो है वो 3 है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें टास्क मिला है वो इसमें जो रो है वो 6 है, मैं इसको 6 कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास रो जो है वो 6 हो जाएंगे। इस तरह अगर आपने बिटवीन दो रो के बिटवीन दरमियान में अगर आपने पास तक का नज़ारा कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो 5 है, इसमें 5 कर लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल अगर आपने कम नज़ारा करना है इस तरह ये भी आप कम नज़ारा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, तीसरे नंबर पर जो है वो लेवल। तो ये
आपको अगर मैं इसको कम जा रहा है तो भी हमारे पास एक लेवल है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दो कर लेता हूँ लेवल को, इस तरह अब लेवल तो दो हो गए इसके, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रहा कि यार ये एक लेवल है या दो है तीन है। तो इसको समझने और देखने के लिए आपको इसका एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारे पास ये एक्स और वाई है, ठीक है, तो अब इसको अपने 3D में कन्वर्ट करना है। तो इस आप होम बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह आपके पास ये जो है ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपके पास जेड डायरेक्शन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर किया लेवल 2, तो अब हमारे पास इसकी जो लेवल है वो 2 है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास लेवल है वो 4, अब 4 एंटर करें, इस तरह आपके पास लेवल जो है वो 4 हो जाएंगे। इस तरह रो और कॉलम की तरह आप जो दो लेवल के बीच का पासवर्ड भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 5 है, ठीक है, और इस तरह ये भी एक दूसरे के ऊपर एंटर डिपेंडेंट है बिटवीन और टोटल, इसको आप कम या ज़्यादा करेंगे तो इस तरह दो लेवल के बीच का जो पासवर्ड भी कम होता रहेगा। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि इन सब लेवल रो और कॉलम के बीच एसोसिएशन हो, तब इसको सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ख़त्म करेंगे, तो इसके बीच का जो एसोसिएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इनके दरमियान एसोसिएशन हो, तब इसको चेक करने रहने दें, ठीक है। इस तरह ये इनके बीच एसोसिएशन रहेगा। एसोसिएशन ये है कि अगर आप एक में चेंज करेंगे वो जो चेंज है वो सब में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बेस पॉइंट है। अभी इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं चाहता हूँ इसका लेवल 1 कर लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं 2D में लेके जाता हूँ। तो इस यहाँ से आप टॉप पर क्लिक कर, इस तरह ये एक्स और वाई एनवायरनमेंट में चेंज हो जाएगा। अभी हमारे पास जो बेस पॉइंट है वो इसका ये है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं हमारे ड्राइंग में जो इसका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका बेस पॉइंट ये नहीं है, तो अगर आप बेस पॉइंट चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसका बेस पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर हमारे पास ये बेस पॉइंट इसका ये है, इस तरह आपके पास ये बेस पॉइंट ये बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका ये बेस पॉइंट यही रहे, ठीक है। और यहाँ से आप फिर क्लोज अरे करेंगे, जैसे आप क्लोज अरे करेंगे और दोबारा इन ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो हमारे जो पैक्ड बॉक्स और क्राइटेरिया है इसके ऊपर आप ले जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसकी हमारे पास ये टाइप कॉलम रो लेवल और इसकी हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे कि एडिट सोर्स है, रिप्लेस एटम है, रिसेटर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास अभी जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एडिट करें, इसमें अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप इस एडिट सोर्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद आपने जो सोर्स ऑब्जेक्ट इसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो मैं सोर्स ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सारे हाईलाइट ही रहेंगे, ठीक है, एक आपके पास जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं एक और सर्कल ड्रा करूँ, तो सर्कल करें मैं सी टाइप करके एंटर कर लेता हूँ और इस सेंटर पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप एक छोटा सा सर्कल इसके अंदर बनाएं, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं अभी कि जैसे कि मैंने इसके अंदर एक और सर्कल बनाया, ठीक है, वो जो चेंज है वो सारे ऑब्जेक्ट में हो गया। तो जो पहले हमने एसोसिएट की बात की ना, अगर वो आप इसको इसकी जो अनचेक करेंगे, ठीक है, तो ये जो चीज़ है जैसे कि सब में चेंज हो गई तो फिर ये नहीं रहेगी। तो वो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को चेक करने रहेंगे, ठीक है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट में जो भी चेंज करेंगे तो वो सब में चेंज वो सब में नज़र आएगी, ठीक है। ऐसे में सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, अगेन और जो प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं अगेन इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा था, इसकी कुछ और ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। इसके रिप्लेस एटम है, अगर आपने इन ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है किसी और ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं एक पॉलीगन बना लेता हूँ, सॉरी पॉलीगन करें POL टाइप करके एंटर कर लेता हूँ। मैं साइड देता हूँ 6, सेंटर देता हूँ ये एंस्क्राइबिंग सर्कल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि इन सब के साथ इस ऑब्जेक्ट को इनके साथ रिप्लेस करो, इसके ऊपर आप क्लिक करें, फिर यहाँ से आप रिप्लेस एटम सेलेक्ट करें। अभी आप करें कि सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपने एंटर करना है। अभी अपने बेस पॉइंट ले रहे हैं, तो बेस पॉइंट में इसका ये वाला लेता हूँ, ठीक है, इसका जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको बेस पॉइंट देने के बाद फिर आपने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने एक एक करके इस तरह आपके साथ इस तरह आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और बात भी बताता आप लोगों को बताऊं कि अगर आपने
लेफ्ट क्रॉसिंग या राइट क्रॉसिंग करेंगे तो सर आपके पास ये ऑब्जेक्ट रिप्लेस नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लेफ्ट क्रॉसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास ये काम नहीं कर रहा। तो तरीका क्या है कि आपने इंडिविजुअली एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं क्लिक करता जाऊँ, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट इस जो हमारे पास जो हिस्सा गान है इसके साथ ये रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इसके ऑप्शंस में एक और ऑप्शन दिया क्योंकि रिसेट आ रहे। अब हमने ये जो ऑब्जेक्ट रिप्लेस किए, ठीक है, अगर आप चाहते कि नहीं पहले वाले ऑब्जेक्ट हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है, ये हमने जो काम किया है वे ये हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ से रिसेट अरे पे क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी चेंजेस की होगी वो वापस आ जाएगी। और आखिर में आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपके पास इस तरह आप अरे जो रेक्टेंगुलर अरे हैं वो आप एग्जैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे पाथ अरे पे। फॉर एग्जाम्पल हमें टास्क मिल रहा है कि भाई आपके पास एक पाथ दिया हुआ, ठीक है, एस पी लाइन है या पोली लाइन है या पोलीगन की कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, उसी पे हमने एटम या ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो इसके लिए हम पाथ अरे को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगुलर अरे के नीचे आपको पाथ अरे मिलेगी। तो पाथ अरे को प्रैक्टिकल समझने के लिए, इनको प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए मैं एक एस पी लाइन के जरिए एक पाथ बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पाथ है, ठीक है, तो यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को हम पाथ अरे के जरिए हम इसी पाथ पे अरे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसी कॉपी कमांड के जरिए एक ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसी यहाँ इसके जो एस पी लाइन के जो स्टार्ट है इसी पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसी पे मैं इसका एंड सर करके मैं प्लेस कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके पाथ अरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन तीनों ऑब्जेक्ट को, अभी कह रहे कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इन तीनों को सेलेक्ट करें। अभी कमांड को ऑपरेट करने के लिए मैं एंटर दबाता हूँ, ठीक है। अभी कह रहे कि सेलेक्ट पाथ कर्व, तो मैं कर्व को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये बाई डिफॉल्ट इसी को 36 एटम या फिर हमें इसके ऊपर प्लेस करके दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शन को समझने के लिए हम कोशिश कर दें, ठीक है। ऐसे एटम को आप अनचेक करें, ठीक है, तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसको मैं देता हूँ 20, पर हमारे पास 20 एटम चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह ये 20 एटम आपके पास आ जाएंगे। इन दो एटम के दरमियान अगर आपके पास काम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से काम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आपने टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को अगर आपने काम ज़्यादा करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो इसके साथ ये भी इसमें भी चेंज आती रहेगी, ठीक है। इसको अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये 50 हो, इस तरह 50 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है रो, ठीक है। तो जैसे कि पहले भी जैसे कि पहले हमने बात की थी रेक्टेंगुलर एरे में कि ये हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल में ये रो है, ठीक है, और इस तरह जो वर्टिकल है ये कॉलम है। तो अगर आपने इसमें भी ये ऑप्शन दिया रो वाला, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तीन रो और तीन एंटर कर टाइप करेंगे तो इस तरह आपके पास इसकी जो रो है वो तीन हो जाएंगी। इस तरह आप दो रो के बीच के दरमियान फासला कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अगर आपने काम ज़रा करना है, रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं तीन देता हूँ इसको, इस तरह इनके दरमियान का फासला बढ़ जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है वो भी आप यहाँ से काम ज़रा कर सकते हैं। तो मैं रो को फिलहाल एक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद है लेवल। तो लेवल को समझने के लिए मैं इसकी एनवायरनमेंट को 3D में लेके जाता हूँ, इस होम बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो लेवल है वो एक ही है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टास्क मिलता है कि भाई नहीं हमें इसकी तीन लेवल चाहिए, तो आप यहाँ से तीन टाइप करके एंटर करेंगे, इस तरह इसकी जो लेवल है वो तीन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर आपने दो लेवल के दरमियान का फासला कम ज़्यादा करना है वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट है वो चार है, दो लेवल के बीच का फासला चार है, वो चार टाइप करके एंटर करेंगे, इसी चार के मुताबिक इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपने टोटल को कम ज़्यादा करना है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एसोसिएट का। एसोसिएट को हमने रेक्टेंगुलर अरे में डिस्कस की थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहिए, अगर आप इसको सेलेक्ट करने जैसे सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको इस पर सलेक्शन ख़त्म करेंगे तो फिर इनमें जो भी आप चेंजेस करेंगे ना, वो चेंज सब में नहीं होगी, सिर्फ इंडिविजुअली फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक हमें एक बेस्ट ऑप्शन मिलता है, तो बेहतर है कि आप इसको सेलेक्ट करने रहने दें, ठीक है। तो ये जो बेस्ट पॉइंट है टेंजेंट, इन ऑप्शन को समझने के लिए मैं इसकी लेवल को एक कर लेता हूँ, ठीक है, एक टाइप करके एंटर कर लेता हूँ और इसको मैं 2D में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो इन्वायरमेंट है मैं 2D में लेके जाता हूँ। यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट ऑप्शन मिलता है हमें, ठीक है। सो अगर आपने इसका बेस्ट पॉइंट अभी हमारे पास जो है वो ये है, जो स्प्लाइन के स्टार्ट है, ठीक है, वो इसकी बेस्ट पॉइंट है। अगर आपने इसका बेस्ट पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो भी बेस्ट पॉइंट आप मुझे वो दे सकते हैं। प्रॉब्लम है इसका बेस्ट पॉइंट मैं ये देता हूँ, इस तरह इसका बेस्ट पॉइंट चेंज हो जाएगा, उस तरह इसमें भी चेंज आ जाएगी, ठीक है। दोबारा बेस्ट पॉइंट पे क्लिक करें, मैं चाहता हूँ कि इसका बेस्ट पॉइंट यही हो, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, फिर दोबारा अपनी पोजीशन पुरानी हालत में सारे आइटम चले जाएंगे। सो बेस्ट पॉइंट के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है टेंजेंट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट इसी लाइन के अलॉन्ग आपने टेंजेंट करना है तो आप इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि इस ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पाथ के बिल्कुल टेंजेंट हो जाए, तो आप यहाँ से इस टेंजेंट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। अभी अपने मैं चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट इसी के बिल्कुल टेंजेंट हो जाए, ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरे दूसरा पॉइंट देना है तो मैं इसका ये वाला पॉइंट देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जो दो पॉइंट दिए थे, पहले ऑब्जेक्ट का और फिर लाइन का, ठीक है, पाथ का, तो ये पॉइंट बिल्कुल इसी पाथ के टेंजेंट हो गए, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट के, आप देख सकते हैं। सो टेंजेंट डायरेक्शन के बाद हमें एक दूसरा ऑप्शन मिलता है मेजर और डिवाइड का। सो मेजर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इसका, ठीक है, अगर आपने डिवाइड के जरिए अपने काम कर रहे हैं तो इनको देखने के लिए मैं इसके डिवाइड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे डिवाइड पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, हमारे पास जितने भी एटम होंगे वो ऑटोमेटिकली इस पाथ को डिवाइड करके जितने भी एटम होंगे वो इसी पाथ पे प्लेस हो जाएंगे। तो अभी जैसे कि पहले हमने रो पे बात की, ठीक है, और में हमारे पास बिटवीन टोटल वो हाइट नहीं थी, अभी हमारे पास हाइट हो गई, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से डिवाइड को सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको सिर्फ यही कि इस यहाँ पे एटम के आने में, एटम के टाइम में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा एटम का। यानी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 एटम है, आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 एटम बराबर इस पाथ को डिवाइड करके इस पर प्लेस हो जाए, जैसे आप इसको डिवाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मेजर कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ 20, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है हमें अलाइन एटम का। अगर आप चाहते हैं कि ये एटम इसके बिल्कुल आप अलाइन करें, तो आप यहाँ से इस एटम को सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि अब जितने बैठे होंगे वो जिस तरह इसकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है, एटम के, वो बिल्कुल उसी पोजीशन में, यानी एटम की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, और इसी ओरिएंटेशन में वो ऑब्जेक्ट अरे हो जाएंगे इस पाथ के मुताबिक। तो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है जेड डायरेक्शन का। तो इसको समझने के लिए इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं क्लोज कर लेता हूँ, अगेन इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ ना, तो हमें यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे कि एडिट सोर्स का, रिप्लेस एटम, रिसेट अरे का, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे एडिट सोर्स। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने इस जो एटम, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रा किया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रा करके अरे किया हुआ है, अगर आपने जो सोर्स ऑब्जेक्ट को एडिट करना है तो आप इस ऑब्जेक्ट को भी एडिट कर सकते हैं। तो ऐसे मैं एडिट सोर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये सारे हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, आप इसी में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आपने इसी को चेंज करना है। तो इसी को चेंज करने के लिए फॉर मैं इसका डाया थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ या कम कर लेता हूँ, इसी कड़ा में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ, इसी को निकाल इसके बराबर में कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसका डाया बड़ा किया, ठीक है, तो चेंज सब में हो गया। तो पहले हमें जब इसकी प्रॉपर्टीज में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एसोसिएट का। अगर आप इसको सेलेक्ट करके काम करते रहेंगे इस तरह, ये जितनी भी चेंजेस होंगे इसमें होते रहेंगे। अगर आप वहाँ से इसको अनचेक करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट नहीं करेंगे और फिर काम करेंगे, तो फिर वो सिर्फ इंडिविजुअली आपको चेंज करना पड़ेगा हर एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है।
वैसे मैं सिर्फ चेंज पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि जैसे मैंने एडिट सोर्स वाला ऑप्शन को यूज़ करके यहाँ इस ऑब्जेक्ट में चेंज किया, वो चेंज एसोसिएट को जैसे सब ऑब्जेक्ट में सारे ऑब्जेक्ट में चेंज हो गई। तो दोबारा मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से रिप्लेस एड का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं अगेन एक सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस करूँ इस सर्कल से। या मैं एक यहाँ से एक पॉलीगन ड्रा कर लेता हूँ, पॉलीगन के लिए पी और टाइप करके एंटर कर लेता हूँ, इसके मैं साइड लेता हूँ चाहिए इंस्क्राइब करके एक हेक्सागन है, ठीक है हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि इस हेक्सागन के साथ इन सारे एटम को मैं रिप्लेस करूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करें, रिप्लेस एटम, इसके ऊपर क्लिक करें, प्रेस एंटर। अभी आपने इसका बेस पॉइंट लेना है, ठीक है, बेस पॉइंट मैंने इसका ये वाला लेना है। अभी आपने जो ऑब्जेक्ट आपने चेंज करना है ना, उसको आपने सेलेक्ट करके रहना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। फिर इसके बाद दूसरा ये वाला ऑप्शन हमने रेक्टेंगुलर रिंग भी देखा था, ठीक है, इसमें भी हमने काम किया था। तो अगेन इसमें ये ऑप्शन आ गया रिप्लेस एटम। तो आप एक एक करके सेलेक्ट करते जाए, इस तरह आपके पास जितने भी एटम होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह आप देख सकते कि जितने भी एटम थे वो इस हेक्सागन के साथ एटम जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं। जैसे आप कमांड को एग्जिट करें, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हमें कि रिसेट अरे का। सो अगर आप अभी हमने इसमें चेंज की, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट की, अगर आप कहते कि नहीं पहले वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये हमने गलती से किए, तो अगर आप इसको रिसेट करना चाहें तो आप यहाँ से रिसेट अरे पे क्लिक करके आपने जितनी भी चेंजेस की होगी प्रीवियस, वो सारे वापस आ जाएंगे, अंडो हो जाएंगे, और ऐसे लास्ट पे आप इसको क्लिक करके आप कमांड को एग्जिट कर लेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे वो पोलर अरे पे। तो अगर आपको टास्क मिलता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने उसके मल्टीपल कॉपीज बनाने हैं सर्कुलर अरे में, मतलब सर्कल टाइप का कोई अरेंजमेंट में, ठीक है, और आपने एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने इसी उसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर अरे में उसके मल्टीपल टाइम्स उस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, इसके लिए पोलर अरे को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो कॉपी के लिए मैं सी पे टाइप करके एंटर कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इसके सेंटर पॉइंट को मैं पिक करके यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, और इसी को हमने सर्कुलर अरेंजमेंट में इसकी मल्टीपल टाइम इस ऑब्जेक्ट को हमने कॉपी करना है पोलर अरे के जरिए। तो ऐसे मैं पोलर अरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब ये कह रहे कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, प्रेस एंटर। अभी आपका अभी आपने सेंटर देना है, ठीक है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट आप अरे, तो आप जैसे इसका सेंटर पॉइंट नहीं, इसका मैं सेंटर पॉइंट लेता हूँ, जैसे मैं इसका सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, उसकी हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी तीन छः कॉपी हमारे पास बन जाती है, वो एक सर्कुलर अरे में। जैसे पहले हमने बताया, अगर आपने सर्कुलर अरे में किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल टाइम्स को कॉपी करना है, उसके लिए आप पोलर अरे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले की तरह पोलर पाथ और रेक्टेंगुलर अरे की तरह यहाँ उनके भी कुछ ऑप्शन है, कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कि टाइप है, टाइप पोलर है, एटम्स, रो, लेवल, जिनको भी एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एटम्स पहले नंबर पर, टाइप है, दूसरे नंबर पर एटम है, तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू आप एटम यहाँ पर एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट है आर्ट, अभी आप आर्ट एंटर करके टाइप करेंगे तो आपके पास इसकी आर्ट काफ़ी बन जाएगी। यहाँ पे दो एटम के दरमियान का जो एंगल है वो 45 है, अगर आप कहते हैं कि 30 हो तो उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको कम ज़्यादा करेंगे, इस तरह जो फिल एंगल है वो भी इस पर भी इफेक्ट करना पड़ेगा, ये भी कम या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको 45 कर लेता हूँ। तो रो, लेवल, ये रेक्टेंगुलर और पाथ अरे में हम कर चुके, थोड़ा से रो और लेवल आप देख लीजिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं रहा कमेंट आप कमेंट बॉक्स यूज़ करके आप हमसे पूछ सकते हैं। उस तरह एसोसिएट भी अपने घर पे देख लीजिएगा, बेस्ट पॉइंट ये भी हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने इसका भी इसका बेस्ट पॉइंट है, अगर आपने इसका बेस्ट पॉइंट चेंज करना है इस पर क्लिक करें, इस तरह इसका बेस्ट पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रोटेट और डायरेक्शन है, तो अगर आपने अभी हमारे पास जो है ये इस एरो को, ये जो यहाँ पे एरो बना, ठीक है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हमारे पास जो है ये क्लॉक वाइज अरे, ठीक है, अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज करें, आप चाहते कि नहीं ये एंटी क्लॉक वाइज हो, तो आप यहाँ से डायरेक्शन में क्लिक करेंगे, इस तरह इसकी जो
डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब देख सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है रोटेट, इस पर क्लिक करें, क्लॉक वाइज है, इस तरह क्लॉक वाइज है, ठीक है। इसके बाद है रोटेट एटम्स, अगर आप कहते हैं कि ये जो एटम है, ठीक है, ये वाला है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो और ये अरे हो जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे रोटेट एटम। इस तरह अब जिसकी जैसे उसकी ओरिएंटेशन है, उसी ओरिएंटेशन में सारे जितने भी एटम है वो अरे हो जाएंगे, इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ टेंजेंट बना के आ रहा हो जाए, तो आप रोटेट एटम में क्लिक करेंगे। जिस तरह आप इसकी यहाँ पे टेंजेंट बना देख सकते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, ये सर्कुलर अरेंजमेंट में अरे हो गए, ठीक है। जैसे इसके इस पे जो लास्ट है वो क्लोज अरे है, तो आप क्लोज अरे पे क्लिक करेंगे, इस तरह आप जो पूरे अरे की कमांड है वो एग्जर्ट कर देंगे। तो इसके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी मजीद कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाएंगे, जैसे कि एडिट सोर्स है, रिप्लेस एटम, रिसेट अरे। तो एडिट सोर्स ये भी हम रेक्टेंगुलर अरे और पाथ अरे में हम कर चुके हैं, इस तरह रिप्लेस एटम ये भी हम कर चुके हैं, और रिसेट अरे ये भी हम पहले रेक्टेंगुलर और पाथ अरे में हम कर चुके हैं। फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा, अगर समझ ही नहीं आ रहा तो फिर इंशाल्लाह आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो क्लोज अरे के सर आप एग्जैक्ट कर देंगे पोल अरे को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीन किस्म के जो अरे थी ये आप समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे, आप इनको ट्राई करें, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चलिए इनको जितनी भी अरे है, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और पोलर अरे, इनको मैं 3D में एक 3D ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, और उन पे मैं थीम को अप्लाई करके देखता हूँ कि काम करता है या नहीं। तो इसको मैं ऐसे पहले डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एडिट कर लेता हूँ, तो इसको मैं 3D में लिख देता हूँ, इसका एनवायरनमेंट चेंज करके, ठीक है। ऐसे मैं एक बॉक्स या पॉलीगन में रहते पॉलीगन के लिए प्योर टाइप करके एंटर करें, एंटर, एस करेक्ट करके इसको मैं एफेक्ट, इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ई एक्सट्री टाइप करके एंटर करें, और आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, ठीक है, जो आपने एक्सट्रूड करने से क्लिक करें, प्रेस एंटर, चुका दे रहे इशारिया 5। आप रियलास्टिक करें, ठीक है। इसको हमने इस पे हमने रेक्टेंगुलर अरे को अप्लाई करना है, देखते हैं कि काम करते हैं यानी या कैसे लगेगा रेक्टेंगुलर अरे अगर हमने 3D में अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर किया तो कमांड ऑपरेट हो गया, और इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट हमारे सामने शो हो गया, ठीक है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये चीज़ें पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। इन सबको लेवल बढ़ाने, आप ऐसे लेवल बढ़ा सकते हैं, 2 लेवल करें, आपके पास 2 लेवल आ जाएगी, ठीक है। 1 लेवल करें आप। इसके अलावा जो दूसरे हो पा तरह, तो पा तरह के लिए मैं SPR टाइप पर एंटर कर लेता हूँ, इसके लिए मैं एक 3D पॉलीलाइन यूज कर लेता हूँ, ठीक है, 3D पॉलीलाइन। और ऐसे मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसकी इसका एक्सप्लोर करें, ऐसे मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ले इसको, और आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके पाथ अरे को सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद कमांड को ऑपरेट करने के लिए एंटर दबाएं। अभी आप पाथ को सेलेक्ट करें, ऐसा पाथ को सेलेक्ट करिए, आपके पास पाथ अरे हो जाएंगे, लेकिन इसका आप बेस पॉइंट चेंज करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर इसको अरे करेंगे तो इसका मैं बेस पॉइंट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसका बेस पॉइंट ये वाला लेता हूँ, ठीक है। ऐसा आप इसका बेस पॉइंट चेंज करेंगे, ये बिल्कुल पाथ बिल्कुल अरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन ये चीज़ें हम सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद है पोलर, इनके लिए भी एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है,
वो कॉपी के लिए सी पे टाइप करके एंटर करें। तो आप मूव करके यहाँ ले आए पैड। तो यहाँ से आपको लगा रहे सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, प्लस एंटर। अभी इसका आपका सेंटर देंगे, जैसे मैं सेंटर पे क्लिक कर लेता हूँ इस तरह, ये सर्कुलर अरेंजमेंट में इसकी वो जो ऑब्जेक्टिविटी इसकी मल्टीपल्स टाइम कॉपी जाते हैं, जिसके आप एग्जाम्पल 8 कॉपी होनी चाहिए। और इस तरह आप 8 वीडियो एंटर करेंगे, इस तरह इसकी वो ऑब्जेक्ट 8 टाइम कॉपी हो जाएंगे अराउंड द सेंटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन आप समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। आज के लेसन थोड़ी सी लंबी हुई, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो समझानी थी, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।